चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने माइक ऑन कर लें, दो ही लोग हैं आप आज अभी तक। चलिए बाकी आ जाएंगे। ओके जी, क्या होगा इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एट लोएस्ट पीएच? एप्सिन। जी एप्सिन। अच्छा, अब ये वाला जो टेबल है ना एंजाइम का, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से हर तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं, यानी एग्जैक्ट पीएच की वैल्यू भी पूछी जा सकती है और कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है, वैल्यू देके एंजाइम का नाम भी पूछा जा सकता है। सो ये टेबल आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो ये आपने अच्छे से करना है। ठीक है, सेकंड नंबर पे दी मेलोनिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ irreversible inhibitor, competitive inhibitor, reversible inhibitor या non-competitive inhibitor? जी, competitive inhibitor। आपकी बुक से अगर हम ये देखें enzyme से, तो वहाँ पे उसने ये mechanism जो सारा समझाया हुआ है बड़े अच्छे से, इसका ये आपने देख लेना है। ठीक है, तो उसने वहाँ पे लिखा भी हुआ mechanism of competitive inhibitor। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से देखिए। चले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स में पहले हम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स पढ़ चुके हैं। आज हमने सबसे पहले डिस्कस करना है न्यूक्लिक एसिड, फिर हम डिस्कस करेंगे एंजाइम। स्टार्ट करते हैं जी न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें से थोड़े से कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ये अगर वैसे देखा जाए तो ये ओवरऑल एक रटे वाला टॉपिक है, यानी इसमें से बुक के लाइंस आएंगे। ठीक है, मोस्टली चांसेस है, लेकिन ये न्यूक्लिक एसिड एक थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसमें से कुछ चीजें जो हैं, कॉन्सेप्ट्स जो हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1869 बाय मिक्सचर फ्रॉम पस सेल्स। पस सेल्स से इनको सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, चूंकि इसको जो आइसोलेट किया गया था न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल से किया जाता है, पस सेल उनके न्यूक्लियस को सबसे पहले आइसोलेट किया गया, तो इसलिए चूंकि न्यूक्लियस से ये डराइव हुआ, आइसोलेट हुआ, इसको न्यूक्लियक का और एसिडिक नेचर की वजह से एसिड का नाम दिया गया, तो इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम इस तरह दिया गया। अब न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या है? इट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और अगर एक न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल नहीं तो एटीपी की एक एग्जांपल है, वो आपके जो डायग्राम बनी वो भी आपने अच्छे से देख ली। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड में जो दो बेसिक चीजें हैं हम देखते हैं आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मल बात करें तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली आपको पता है, चूंकि न्यूक्लियस के अंदर सारा मटेरियल जो है पड़ा हुआ है, तो उसमें जो आप सबसे पहले डिफरेंस आपने करना होता है कि आपने डीएनए और आरएनए की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, डीएनए बेसिकली आपका सारा कोडिंग मटेरियल है जिसके ऊपर सारा डेटा आपका पड़ा हुआ, और आरएनए जो है ये बेसिकली बनता है इसके डिफरेंट टाइप से, ताकि हमारे पास इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं बेसिकली आरएनए। ठीक है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप कि वो किस तरह का आरएनए है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आरएनए की बात करें, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और डीएनए की बात करें डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। ठीक है, आरएनए की बात करें तो इसमें राइबोस शुगर होती है, डीएनए की बात करें तो डीऑक्सीराइबोस शुगर। अगर इसको देखें राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में क्या डिफरेंस है, तो पोजीशन नंबर जो 2 होती है वहां पे ऑक्सीजन का डिफरेंस होता है। जो डीऑक्सीराइबोस है इसमें जो ऑक्सीजन है वो रिमूव होती है वहां से राइबोस शुगर, और राइबोस शुगर में रिमूव नहीं होती, ऑक्सीजन वहां पे होती है, यानी इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा बल्कि अकेला हाइड्रोजन होगा। बेसिस प्रेजेंट एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। आरएनए में यूरासिल आपको पता होती है स्पेसिफिकली, और इसमें एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड थायमिन होती है।
उसके बाद आप देखें अगर आरएनए में एडिनिन पेयर्स विद यूरासिल, अगर आरएनए के स्ट्रैंड जब बन रहे होते हैं तो वो यूरासिल के साथ इसका पेयर बनता है, ठीक है। जबकि अगर हम देखें इसमें थायामीन के साथ एडिनिन का बनता है। प्यूरीन इज नॉट इक्वल टू पिरिमिडीन, अगर आप ये देखें ना चार के फूल एक हम आगे पढ़ेंगे तो आरएनए में वो फॉलो नहीं होता जबकि डीएनए में वो फॉलो होता है, चार के फूल हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखें रीजंस हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स पेयर एंड फॉर्म हेयर पिन लुक लाइक स्ट्रेचकिन एंड हेलिकल, ये सिंपल सी बात, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आरएनए जेनेटिक मटेरियल, बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा डीएनए अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात, ठीक है। लेकिन सम वायरसेस में आपको पता है जो कि आरएनए वायरस कहलाते हैं, आपने पीछे पढ़ा भी हुआ, उनके अंदर जेनेटिक जो फॉर्म होता है वो आरएनए की फॉर्म होता है। DNA genetic material in all living organisms. Length of RNA is short, consisting of only few thousand nucleotide. Depending upon the nature, कि messenger RNA है, transfer RNA है, या फिर आपके पास ribosomal RNA है, उसके point of view से इसकी जो length है वो vary करती है कि कौन सा किस तरह का RNA है, ठीक है। तो nucleotide जो है thousands तक हो सकते हैं और minimum इसमें 10-20 तक भी हो सकते हैं RNA में, ठीक है। Length of DNA is quite large, consisting of millions of the nucleotides. क्योंकि DNA एक पूरा मटेरियल है आपके पास न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसमें सारा का सारा कोड करना है, आपके लिए इंफॉर्मेशन है, तो ये millions of the nucleotides से मिला होता है। आगे हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे DNA कैसे कंडेंस होते हैं, ठीक है। RNA की टाइप्स अगर देखें तो मैसेंजर RNA, राइबोसोमल ट्रांसफर मेजर टाइप्स और माइनर टाइप्स भी होती है। DNA occurs in only one form. Basically DNA के भी कुछ टाइप्स होती है अगर हम हायर लेवल पर स्टडीज करें ना, लेकिन यहाँ तक आपने एक ही टाइप ज़हन में रखी, ठीक है। और बस ये इसमें यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। अब ये देखें आप डीएनए और आरएनए में डिफरेंस करें तो ये आपके पास डबल स्टैंडर्ड जो हेलिक्स बनता है डीएनए का, ये देखें, और इसमें वही आपको पता है थायमिन, साइटोसिन, एडिनिन एंड गवानिन, ये आपके पास चार बेसिस होती है। जबकि आप इसमें देखें जो आपके पास आरएनए ये कि एक सिंगल स्टैंडर्ड है और इसमें यूरासिल होता है आप अगर देख लें, ठीक है। तो ये उसने डायग्राम बताया तो इसको अच्छे से याद रखना। और इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं आपके खास तौर पे बेसिस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपने ज़हन में रखने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो बेसिस होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है, यानी जो डीएनए के अंदर अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या क्या चीजें होती है। उसके अंदर आपको पता है एक शुगर होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक बेस होता है, ठीक है। तो इसी तरह हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में भी डिफरेंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिस की जो डिफरेंस है इसकी बेस पे हम डिफरेंस करते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन इसकी बेस पे हम डिफरेंस करते हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम प्यूरीन्स को देखें, प्यूरीन्स में हमारे पास वो वाली बेसिस आती हैं जो कि डबल साइकिल, जिनमें दो साइकिल होते हैं टोटल, यानी एडिनिन और गवानिन। अगर आपने सिंपल वर्ड्स में याद रखना है तो इस तरह याद रख लें कि जो प्यूरीन्स है इसके स्पेलिंग तो कम है लेकिन इसमें नंबर ऑफ जो आपके रिंग्स हैं वो दो हैं, ठीक है, ज्यादा रिंग्स हैं, ठीक है। तो प्यूरीन्स डबल रिंग को कहते हैं और पिरिमिडीन सिंगल रिंग्स को कहते हैं। अब यहाँ पे देखें प्यूरीन्स आर हेटरोसाइकल एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ पिरिमिडीन रिंग फ्यूज्ड विद अमीडाजोल रिंग, ये आपने याद रखनी, ये आपके एमडी कैट में भी पूछा जा सकता है। नॉर्मली इसमें एक पिरिमिडीन रिंग तो है ही है, ठीक है, ये आपकी पिरिमिडीन रिंग है, लेकिन उसके साथ एक इमीडाजोल रिंग जो है वो फ्यूज कर जाती है, उसकी वजह से जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्यूरीन कहते हैं, ठीक हो गया। पिरिमिडीन आर हेटरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल है, इसमें दो कार्बन नाइट्रोजन रिंग होती है और फोर नाइट्रोजन एटम्स होते हैं टोटल, इसमें सिंगल कार्बन नाइट्रोजन रिंग होती है और दो नाइट्रोजन एटम टोटल होते हैं। और उसके बाद आप देखें contain comparatively high melting and boiling point, इसमें low melting, चूंकि ये डबल रिंग है वो सिंगल रिंग है, ये सिंपल बात है। और ये वाला पॉइंट आपने छोड़ देना है। और ये कैटाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस यूरिक एसिड, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो आपने किडनी वाला चैप्टर पढ़ा था वहां भी आपने थोड़ी सी चीज पढ़ी थी कि इनका जो कैटाबॉलिज्म अगर इनकी ब्रेकडाउन करें तो इसमें सिर्फ यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जबकि इसमें अमाइनो एसिड्स, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये आपने अच्छे से स्ट्रक्चर करने, क्योंकि ये बहुत दफा एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर आपने याद करने के, एडिनिन में क्या क्या होता है, ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आपने याद करने और इनके नेम भी आपने याद करने, ठीक हो गया, ये आपने एक दफा देख लेना। उसके बाद अगर हम मेन डिस्कशन करें, अब जो हमारी मेन डिस्कशन वाला पॉइंट है वो है डीएनए। डीएनए हमने पहले, अगर पीछे दोबारा डायग्राम की तरफ जाएं, ये हमने पढ़ा कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है
ठीक है, ये थोड़ी सी डायग्राम इसने बिल्कुल स्ट्रेट बना दी, बेसिकली ये थोड़ा इस तरह नहीं होता, अगले डायग्राम में हम देखेंगे। ठीक है, इसमें बेस पेयर्स होते हैं जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू मिले होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक इसके वो इसकी जो बैकबोन बनाता है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मॉरिस और रोजालिन फ्रैंकलिन, इन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन को यूज करते हुए डीएनए स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने की कोशिश की। इन्हीं की स्टडीज को यूज करते हुए जो वाटसन एंड क्रिक था, उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसे हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहते हैं डीएनए का। उसके अकॉर्डिंग क्या है, डीएनए एक डबल हेलिक्स है, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अराउंड कॉइल करते हैं और कॉइलिंग ऑपोजिट होती है, यानी अगर एक 5-2 दोबारा आ जाए, एक यहाँ से अगर ये वाला एंड 5-3 एंड है तो ये वाला 3-5 एंड होगा, यानी ऑपोजिट कॉइलिंग होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, टू चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दोनों चेन्स में आपको पता है कि बैकबोन के इसको फॉस्फेट और शुगर ने बना दिया, जबकि इसके सेंटर वाली साइड पे क्या है, इसके बेस बनी हुई है, तो जो बेस है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू मिलती है। दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एडिनिन और थाइमिन के दरमियान, और तीन जो एडिनिन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं गवानिन और साइटोसिन के दरमियान। तो इसको आप एट जीसी एट गवर्नमेंट कॉलेज से भी आप याद करते हैं, जो एट जो है ए और टी इसके दरमियान डबल बॉन्ड है और जीसी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, यही वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये है बेसिक स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो एक्चुअल डीएनए का, तो बिल्कुल स्ट्रेट थोड़ा सा बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखें एडिनिन थायमिन के साथ है, गवानिन साइटोसिन के साथ है, ये सारा उसमें स्ट्रक्चर दिखाया हुआ, और इसके दरमियान डबल बॉन्ड है, इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, ये 5-3 है प्राइम, ये 5-3, ये 3-5 है, तो ये ऑपोजिट कॉइलिंग इसमें। ठीक है, तो इसमें देखें जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें जो ओवरऑल इसकी विड्थ है इसने 2 नैनोमीटर ये दिखाई हुई, ये भी आपने याद रखनी है। उसके अलावा इसमें दो ग्रूव्स बनते हैं, इसको एक को कहते हैं मेजर ग्रूव, एक को कहते हैं माइनर ग्रूव। जब ये इस तरह की फॉर्मेशन होती है डबल हेलिक्स की, तो ये एक मेजर ग्रूव बनता है जो कि 3.4 नैनोमीटर का होता है, जबकि ये एक छोटा ग्रूव माइनर ग्रूव बनता है जो कि 0.34 नैनोमीटर का होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि ये ग्रूव शो किसको करते हैं, ग्रूव ये शो करते हैं कि जो आपके पास जो एडजेसेंट बेसिस लगी हैं, जो दो बेसिस के दरमियान बेसिकली फासला है, वो आपका 0.34 नैनोमीटर का फासला है, जबकि जो आपका एक टर्न होता है पूरा, उस टर्न के दरमियान जो फासला था वो 3.4 नैनोमीटर का होता है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि जो दो एडजेसेंट बेसिस ऊपर नीचे लगी हुई है नाइट्रोजीनस, तो उनके दरमियान क्या डिफरेंस है, तो आपको वो आपको डिस्टेंस याद होना चाहिए 0.34 नैनोमीटर, या इसको ऑंगस्ट्रोम में भी वो कन्वर्ट कर सकता है, तो 3.4 ऑंगस्ट्रोम बनेगा और इसका 34 ऑंगस्ट्रोम बनेगा। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिएगा, आसान हो रही है।
ओके आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके अब हम डिस्कस करते हैं आगे चारगफ्स रूल, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग वो ये कहता है, अच्छा इसमें ना आपको एमसीक्यूज किस तरह का है वो हम डिस्कस करते हैं कैसे आएगा। इसके अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि आपके पास एक सैंपल है, एक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड है, उसमें अगर हम देखें डीएनए का सैंपल है, ठीक है, उसमें जितने आपके पास एडिनिन होंगी उतनी थायमिन होगी और जितनी गवानिन होंगी उतनी साइटोसिन होगी, इनकी यानी रेशियो बराबर होगी। या सिंपली अगर हम कह दें कि प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन होंगी, ठीक है, या ए प्लस जी यानी एडिनिन प्लस गवानिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमिन होगी। आप किसी भी तरह से इसको डिस्कस कर लें, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग एक एमसीक्यूज है, द सैंपल हैज 20% एडिनिन इन इट, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, ये क्या होगा? इसको यूज करें क्या होगा? देखिए आपको उसने बताया क्या हुआ है, एडिनिन की परसेंटेज उसने दे दिया 20% और आपने किसकी बतानी है जी, साइटोसिन की आपने बतानी। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एडिनिन की गिवन है, साइटोसिन की हमने फाइंड करनी, क्या होगी? 40। कैसे 40% होगी? 20% एडिनिन की फिर थायमिन की भी इक्वल होगी, दोनों की मिला के नहीं नहीं 40 होगी, बाकी कितनी बची? 60%। 60% किस किस की होगी? गवानिन और साइटोसिन की, तो ये भी इक्वल डिवाइड होनी है, तो कितनी होगी? देखिए आपको एमसीक्यूज नहीं समझ आया, देखिए उसने क्या बोला है, 20% एडिनिन, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, 20% एडिनिन, 20% एडिनिन उसने बता दी। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जितनी एडिनिन है उतनी थायामिन है, यानी 20% ये है तो 20% ये भी है, ठीक है, टोटल कितनी होगी ये 40%, बाकी बच गया इन दोनों का, बाकी 40 अगर हम ये वाले जी को इधर ले आए और इस टी को इधर ले आए, ये टोटल 40% हो गया, तो हमारे पास बाकी इन दोनों के लिए कितनी बच गई, 60% बच गई, यानी गवानिन और साइटोसिन के लिए, तो 60% इनमें इक्वल डिवाइड होगी तो ये कितनी बच जाएगी, 30%। समझ आ गया एमसीक्यू आप लोगों को? यस सर। अगर किसी को नहीं आया तो दोबारा पूछ लें। देखिए अगर आपसे वो कहता है इसकी कोई भी रेशियो बता दे, जरूरी नहीं यही बताए, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो आपसे कह देता है 30% कह देता है, 30% आपके पास एडिनिन, अब आपने क्या पुट कर दिया, एडिनिन की वैल्यू पुट कर दी, इसके इस सारे को जेन में रखना है, इस पूरे सिनेरियो को, 30% एडिनिन है, इट मींस 30% ही थायमिन होगी, तो दोनों मिलके कितनी होगी, 60%, इन दोनों के लिए कितनी बच गई, 40%, तो ये भी दोनों इक्वल है, 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 20%, इधर 20 दिए तो 60 बचा, 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 30% आपका आंसर आ गया, ठीक है। ओके लास्ट वाले टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए, ये आपने बेसिकली रीडिंग वहां से ही करनी है, तो इसमें कुछ चीजें जो है वो आपको बता देता हूँ, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, इनके बेसिक फंक्शन आपको बस पता होना चाहिए। मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए को यूज करते हुए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाए, एवरी 3 बेसिस स्पेसिफिक स्पेसिफाइज एन अमीनो एसिड, जिसमें कोडोन वाला कांसेप्ट है वो आप आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात करें ट्रांसफर आरएनए, ये भी न्यूक्लियस के अंदर बनता है, अच्छा जितने भी टाइप्स ऑफ आरएनए है ना ये न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं सारे के सारे टाइप्स, ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए की बात करें, ये ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, हमारे पास 3 कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस इसमें होती हैं, ये हम आगे इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि एंटीकोडोन कोडोन का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए की बात करें, राइबोसोमल आरएनए बेसिकली साइट भी प्रोवाइड करता है और बल्क ऑफ राइबोसोम के ये लगा होता है, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन की प्रॉपर सिंथेसिस होती है, ठीक है। ये जो ट्रांसफर आरएनए जो मैं आपको कह रहा था, इसका स्ट्रक्चर बहुत समझने की जरूरत है, इसके बेसिकली 4 आर्म्स होते हैं जो आपने डिस्कस करने, ठीक है, जो आपने याद रो रखने ना वो है ये वाले 3 आपने याद रखने, 5 आर्म्स टोटल है लेकिन 4 आपने बेसिकली डिस्कस करने, ठीक है। सबसे पहले है एक्सेप्टर, एक्सेप्टर स्टेम या एक्सेप्टर आर्म, यहाँ पे अमाइनो एसिड आनी है और अमाइनो एसिड ने यहाँ पे लगना है ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके, इसलिए यहाँ पे एस्टर बोन बनता है, ये आपने याद रखना है, यहाँ पे
एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये एंटी कोडोन रीजन है, ये कौन सा रीजन है जहाँ पे कोडोन नहीं आना है, जिसके अकॉर्डिंग इसने उसको रिकॉग्नाइज करना है, तो ये एंटी कोडोन आर्म है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए अप वाला कौन सा है तो एक्सेप्टर आर्म है, डाउन वाला कौन सा है एंटी कोडोन आर्म है। इसके अलावा यहाँ पे एक वेरिएबल आर्म होता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, और डी और टी आर्म होते हैं। बस आपने इतना याद रखना है स्ट्रक्चर को, इतना ही आपसे पूछा जाएगा, आपने अप डाउन राइट लेफ्ट और वेरिएबल आर्म, ये आपने इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम एंजाइम्स पे, जो हमारा आज का सेकेंड टॉपिक है। एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और ये जो हमारे रिएक्शंस हैं उनको करते हैं, स्पीड अप करते हैं विदाउट बीइंग यूज्ड अप, ठीक है, और यूज नहीं होते रिएक्शन के अंदर, सिर्फ साइट प्रोवाइड बेसिकली करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये साइट प्रोवाइड करते हैं,